सांसदों की अयोग्यता के आधार पर हाल ही के अंदर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह सबसे ज्यादा खबरों में है। मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने पर एक प्रमुख सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है। आइए इसको जानते हैं कंप्लीट। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता सेक्शन 81, अगर दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है तो एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। व्यक्ति कारावास की अवधि और 6 साल के लिए अयोग्य है। सेक्शन 9 यह या निष्ठाहीनता के लिए प्रकाशी के लिए अयोग्यता से संबंधित है। सेक्शन 10 यह चुनाव खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित है। सेक्शन 11 यह भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित है। अब बात करेंगे अयोग्यता के खिलाफ कानूनी संरक्षण। RPF सेक्शन 84 के तहत विधायक 2013 तक तत्काल अयोग्यता से बच सकते थे। अयोग्यता 3 महीने तक प्रभावी नहीं होगी। यदि उस अवधि के भीतर सजा विधायक अपील या पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करता है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने खंड 4 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंफॉर्मेटिव और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।